जनाब कुलदीप सिंह, आज 15 अगस्त है और हम जा रहे हैं आज इंडिपेंडेंस डे मनाने अपने बूंदी। अपने बसंती तैयार हो गई है, उसको सजा दिए हैं। टाइम हो रहा है अभी अपने 3:46, तो अभी निकलने ही वाले हैं, तो वहाँ चल के देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है और कैसा। स्टार्ट करते हैं। सो भविन निकल चुके हैं। तो ऋषि कहाँ जा रहे हैं अपन? आज अपन जा रहे हैं गरड़िया महादेव। गरड़िया महादेव, ये अपने कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा अपने कोटा के पास में। कोटा के पास में। सो आज 15 अगस्त है, सभी फ्री हैं, तो आज उधर के प्लान बना रहे हैं। वो भी न्यू ड्रोन लिया है, उसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी। ये आपको जानते होंगे, ये अपने गौरव भैया सांबर वाले, ये अपने नए भैया शोभित भैया, और ये अपना एक्सपर्ट ड्राइवर वेद प्रकाश जी। वेद जी वेद जी के नाम से बहुत फेमस है। आप जलाना सफारी में जाओ और वेद जी का नाम नहीं सुना तो आपने क्या सुना? टंकी फुल कर रहे हैं गाड़ी की और कोटा की तरफ निकलेंगे भी थोड़ी देर में ही। सेम उस दिन भी ऐसी यही कंडीशन हो रखी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही दूर है। वहाँ पर पहुंच के बोट सफारी करेंगे। दूसरी बोट सफारी तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ये वीपीजी ड्राइवर साहब, कहाँ जा रहे हो? खंडर है वहां पर जाओ। तो रेस्टोरेंट नहीं जाना है, बड़ा वही ऊपर से तो तगड़ा ही व्यू है। तो अभी सफारी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आदिवासी लोग भी है। ये गायें हैं, गायों को बाड़ा है। सुन लिया। क्या कोई टेंशन नहीं, आराम की जिंदगी जी। कंट्री हम पहुंच चुके हैं, वो सामने देखो व्यू और बादल नीचे आ रखे हैं। देखो ये अभी हम पहाड़ के ऊपर है, बादल भी नीचे है। अरे गाने में चला यार, अरे चला उठा आजा। ले ला आगे ले ले, ये रास्ता ब्लॉक कर दिया इन्होंने। कोई इरादा तो नहीं है ना गेट खोलने का, पता लगे अपन बोर्ड में बैठे उधर से पीछे से गेट खोल रहे तैर सर्फिंग हो रही है रील है रास्ता नहीं मिल रहा है, हम भटक चुके हैं। तो अभी गाड़ी रोक के नेटवर्क ढूंढ रहे हैं, कहीं नेटवर्क मिल जाए तो फिर हम बोट वाले को फोन करें। यहाँ से आपको नजारा दिखाता हूँ मैं, कितना प्यारा नजारा है देखिए आप। दूर दूर तक ये गौरव जी खड़े हैं सामने, अलग ही नजारा है। ये रियल है, देखिए नजारा राजस्थान में स्वर्ग। अरे मौज होगी तेरी, अबे देख झरना।
मस्त अरे इसी की तो आवाज आ रही है नाले जाके एक अलग ही तरह का है मतलब आप आदिवासी मतलब वहाँ से पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे आपको वहाँ उड़ाओ। सो अभी क्या है कि हम चलो फ्रेंड्स तो अभी हम जा रहे हैं पानी की बोतल और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक और लेने के लिए नाश्ता वास्ता कि आस पास कोई दुकान नहीं है तो हमने स्कूटी मार ली किसी की। बारिश तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो अभी बोट तैयार हो रही है, तैयार होके फिर अब निकलेंगे यहाँ से। ऊपर सीटों पे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे भैया पायलट यहाँ के, वो पीपी है ना पीपी, एक पानी भर के सामने डाल दो उसको। आप नजारा देखिए, नजारा एक नंबर है। जगह नहीं आता वहाँ भैया को बैठाओ, कहीं भी नहीं आता। संतुलन का मतलब बाहर देख रहा है ना तू, पता लगा तुम पतले पतले एक तरफ बैठ गए। तो हमारी बोट स्टार्ट हो चुकी है, सीखने से हो चुकी है। बस मजे हो गए। हम चल दिए, अभी यूवर्स में जा रही है। चलो चलो ले गए प्रभु का नाम। चलो बारिश स्टार्ट हो चुकी है, देखिए वहाँ पूरी बारिश आ रही है। आगे की तरफ जा रहे हैं। चौहान जी होता और फटाफट ले तू यार, निकल गया वो यार, ले जल्दी। आगे वाटरफॉल है, आवाज आ रही है। नीचे उतर सकते हैं, ये नीचे तो ना इनलीगल है, हम अपनी रिक्स पे उतरे हैं। ये सामने वाटरफॉल है, बहुत बढ़िया आलीशान नज़ारा, पानी के मज़े लेते हुए। ओ हो, ठंडा ठंडा पानी, मज़ा आ गया भाई साहब। पत्थर हाँ स्लिपी है, ये स्लिप मार रहे हैं पत्थर, मस्त मज़ा आ गया। टाइटैनिक आइलैंड, कौन सा? अच्छा वो है टाइटैनिक आइलैंड, पूरा दलदली इलाका है। भैया क्या नजारा है, दिख के जा रही है, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं अभी, शाइनी शाइनी थोड़ा सा। हाँ ये शिलाजीत। अच्छा वो कौन सी नदी है सामने वाली? गगर गगर नदी
गौरव भाई मच्छ धीरे धीरे लो बिना आवाज के तो अब हमारी बोट सफारी खत्म हो गई है, तो हम चल रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो हमारी बोट सफारी तो खत्म हो गई। हाँ बहुत मजा आ गया, मजा आ गया, थक गए पर गीले हो गए कपड़े। अब कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं गिरिडीह महादेव। अब गिरिडीह महादेव निकल रहे हैं। तो हम अभी ड्रोन की टेस्टिंग कर रहे हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं। पायलट रिसीव है, यहाँ से पूरा एंगल लेंगे। ऑन हो गया क्या? कनेक्ट नहीं हुआ, दोनों स्टार्ट नहीं किया उसको। ये हो तो रहा है, अच्छा आवाज करता है क्या? यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा है, तो हमारा डिसीजन ये रहा कि हम टिकट नहीं लेंगे, हम क्या पिक्चर बाई वॉक करके जाएंगे। गाड़ी तो हम यहीं खड़ी कर रहे हैं, और अभी इस टाइम देखो आप क्या हालत हो रखी है। हाँ हाँ, तो हमें पानी भर गया यार। चलो बाई वॉक इस रास्ते से हम जा रहे हैं। अब ये लगभग 1.5-2 किलोमीटर में पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद आपको व्यू दिखाएंगे कितना शानदार व्यू मिलेगा। चलो बाय, फिर मिलते हैं। यहाँ पानी की आवाज़ आ रही है, शायद फाइनली हम शायद पहुँच चुके हैं, मुझे तो यही लग रहा। ओह माय गॉड, देखिए आप व्यू देखिए, कितना शानदार व्यू है, अल्टीमेट गजब, वाह सुपर सुपर से भी ऊपर। देखिए आप वाइड एंगल में देखिए कितना शानदार। यस, ये राजस्थान ही है, देखिए नज़ारा, ये और कोई जगह नहीं, अपना राजस्थान ही है ये, क्या बात है, अल्टीमेट। कर रहे हैं गाड़ी की तरफ निकल रहे हैं, थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, पर अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मजा आ गया। सब क्या हालत खराब हो गई। हम निकल चुके हैं जयपुर के लिए, हम हमारी ट्रिप यहीं ख़त्म करते हैं।